आपकी आँख कैसी है? अभी कल तक ठीक, अभी ठीक, बेटर। थोड़ा सा पीछे हो, थोड़ा सा पीछे हो जाओ, थैंक यू, थोड़ा सा पीछे हो जाओ प्लीज, थोड़ा सा पीछे हो जाओ प्लीज। एक नंबर। चलो चलो गाइस, स्टार्ट करो, चलो फटाफट। ओए साइलेंस, चलो। एक सेकंड लगा जल्दी, थोड़ा पीछे कर, ठीक है? मैं ले जाऊंगी यहां से उठाकर, अगर बिल्कुल शांत नहीं बैठोगे तो। पीछे पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ। बहुत मजा आ रहा है, एक से पास गया। चलो चलो, पहले पता चल गया था कि किस स्कोर चलो पास गया। चलो लेट्स स्टार्ट, मंडली में लेट्स स्टार्ट। नहीं बोले पहले तो पहला रिएक्शन ये था कि आई शपथ ब्रो, आपन बोल रहे हैं सलमान खान के बाजू में अगर मैं खड़ा हूँ ना तो और क्या चाहिए। टॉप टू बड़ी बात है कि आप बिग बॉस मराठी के बाद आपको लगता है ना कि ये उड़ा देंगे अपने को फटाफट, तो अपन वहाँ तक पहुँचे ना। और एक मेन होता है कि मंडली का कोई जितना नहीं चाहिए ब्रो, फिर मंडली में अगर ट्रॉफी आती है तो आईचा गाँव है तो और क्या चाहिए। शिव डिश कितना, हाँ पर मुझे से लगता है शिव और प्रियंका अच्छे प्लेयर थे, जो एमसी स्टैंड है वो अच्छा इंसान था और उसने ट्रॉफी के लिए कभी खेला ही नहीं, तो शायद वो चीज़ ही थी। मैंने हमेशा बोला है जब भी मुझे पूछा है, तो अगर यहाँ पे सच्ची में जो गेम के हिसाब से ना अपनी पर्सनैलिटी दिखा रहा है वो एमसी है, तो मेरे को लगता है वो डिजर्व करता है और उसका हक है उस पर। और अभी जो प्यार करते हैं ना लोग, मेरे को पता है कि हमें साथ में एमसी स्टैंड जो बाहर शायद था वो मुझे नहीं पता था वो पर्सन कैसा था, इसीलिए हमारी दोस्ती हुई और मुझे लगता है हक है उसका। और मेरे को मजा इसलिए कि वो मंडली का हिस्सा है। आप रियल लाइफ में भी अगर ओला बुक करते हो तो शेयर करते हो दोस्त के साथ, वो गलत होता है। बिग बॉस में दोस्ती करना मतलब एक प्लस पॉइंट है, मेरा तो प्लस पॉइंट है कि मैंने दोस्त किए और वो दोस्त मेरे लास्ट डे तक रहे। सेंटर इकड़े बाबू, हाँ तो मुझे लगता है कि दोस्ती हम सब यहाँ पे अभी जितने भी लोग घर जाएंगे तो किसी के साथ जाएंगे जो दोस्त होता है, उसमें गलत नहीं होता है। और मेरा प्लस पॉइंट है कि मैं अच्छे लोगों के साथ था और वो दोस्ती जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक रहेगी। तो यार मंडली है ब्रो, तो मेरे को कोई गलत नहीं लगता उसमें। और वो होता है कि गेम के लिए ग्रुप बनाना और एक ग्रुप बन जाना, तो मेरे जितने बंदे अब्दू से लेके साजिद सर, एमसी, नम्या, सुम्बया, ये लोग अपनी अपनी छाप छोड़ चुके और मेरे को मजा है इनके साथ। पर शिव आपका जिस तरह मराठी का गेम था वो काफ़ी अलग था, हिंदी वाला गेम काफ़ी अलग था, वो कितना आपके फेवर में गया है? मुझे ऐसा लगता है कि मराठी में लोग अलग थे, मेरे रिएक्शन अलग थी, हिंदी में लोग अलग थे, रिएक्शन अलग थे। कैसे होता है, लोग जैसे रहेंगे वैसे रिएक्ट करेंगे ना, सवाल जैसे होता है वैसे जॉब मिलेगा। तो मेरा पहले दिन ऐसे था कि मुझे उंगली नहीं करना है बट मैं सहन नहीं करूँगा ब्रो, मतलब अगर आप कुछ ऐसे जो फास्ट आप दोगे वही फास्ट मैं आपको दूंगा। पर मेरे को मज़ा आया और सब कंटेस्टेंट सही थे, इसलिए वो फिल्म भी हिट हो गई पूरी। अगर इसमें मैं बोलता हूँ कि अर्चना से लेके अब्दू भी, साजिद सर भी, श्रीजिता भी, यहाँ पे एक भी नहीं होता ना तो इतना मज़ा नहीं आता जो एक्सटेंड हुआ सीजन, मुझे पता नहीं अभी तक, बट इतना तो है मज़ेदार गया है और सबको प्यार मिल रहा है, काम मिल रहे सबको। ऑब्वियसली मतलब जो रियलिटी शो करता है उसका तो एक होता है कि बाबा तेरा क्या पप्पा डायरेक्टर प्रोड्यूसर नहीं है, तेरे को रास्ता ऐसे ही बनाना पड़ता है कि आपको रियलिटी शो थ्रू एक्टिंग में आपको थोड़ा बहुत काम मिले। और अभी इसके बाद रियलिटी शो कौन जाए, खतरों खिलाड़ी, तो अगर वो मिला ही तो आईचा गाँव उधर भी वाट लगाएंगे। तो मराठी ऑब्वियसली जो मिट्टी से हम निकलते वो तो मैं छोड़ूंगा ही नहीं, बट एक होता है ना कि आप महाराष्ट्र से निकले हो, महाराष्ट्र के लोगों के लिए काम तो करेंगे बट आपको इंडिया भी जाने, यार ये तो सपना होता है। शिव,
मुझे लगता है 10-12 बार अगर वो नॉमिनेट हुई है तो उसमें एक बार बचाया होगा मंडली ने, 10 बार बचाया वो लोगों ने बचाया ना, तो लोगों ने क्यों बचाया, मतलब उसका गेम अगर अच्छा नहीं लगता है। बट एक होता है कि वो 18 साल की थी, उसको उसी के लिए लिया गया था, अगर वो शिव ठाकरे जैसी बिहेव करती तो वो सुंबुल नहीं होती, या प्रियंका जैसी करती तो सुंबुल नहीं होती। मुझे लगता है जो कैरेक्टर या जो पर्सन जिस चीज़ के लिए था उसने उसका किया, जनता को पसंद आया इसलिए उसको 10 या 12 बार, मेरे से ज़्यादा बहुत बार नॉमिनेट हुए हो और बची है, तो उसका हक के मंडली के लिए स्टेटमेंट देना। अगर मंडली है और वो सच्ची में हक से बोलता हूँ कि वो मेरे साथ वाले फ्रेंड है, उनके लिए मैं अगर स्टेटमेंट दूंगा, नहीं दूंगा तो गलत होगा ना यार, दोस्ती निभाता भी नहीं है, इसको निभाना भी नहीं आता है। जब जब मुझे मेरे ओपिनियन या मुझे टास्क करने रहे तब मैंने अकेले नहीं खेला, तब मेरे साथ कोई खड़ा नहीं था मंडली में, गए टास्क ऐसा कर, वो मुझे पता है कैसे करना है। बट अगर जब रिलेशन या दोस्ती निभाने की बात है तो यार मुझे लगता है वो आप बिग बॉस के घर में हो या रियल लाइफ में हो, आपको किसी को जवाब एक्सप्लेन करना नहीं पड़ता, निभा डालो, लोग बोलते रहेंगे कुछ भी। एक सच्ची तो उसके दिल बहुत साफ है उसका, और उसने जब भी बोला है उसने खुद के लिए नहीं कभी बोला है, उसने हमेशा बोला है कि मेरा भाई जीते, और वो बंदा ट्रॉफी के लिए कभी आया ही नहीं था, इसीलिए जीता है वो, कि वो जो रहा है ना रियल पर्सन, मेरे को मुझे अभी बोल सकता है ब्रो बिकॉज माइक भी नहीं है, हाँ अभी कोई फर्क नहीं पड़ता इधर कि ट्रॉफी ऑफी, तो इसीलिए ज़्यादा पसंद आया रियल वाला पर्सन, और उसने हमेशा मेरे बारे में सोचा, तो हम इसीलिए खुश थे कि हमने वो माइंड के घर पे सो के सपने देखे थे, ब्रो ऐसा हो जाए ना दो लोग रहे ना घर में बहुत मजा आएगा, और अभी देखा हम उछल रहे थे वहाँ पे कि दो ही लोग, दो दोस्त है, और वो मंडली के जो मंडली पे सब गोलियां चला रहे थे ब्रो, हो गया। मेरे को 2-3 चीज़ें बहुत चुभी थी कि अगर आप मराठी से हिंदी में जा रहे हो तो मुझे बोला गया था कि यार आप मराठी में ना, मराठी में ठीक है पर हिंदी में नहीं चलेगा, लोग अलग होते हैं, पर मेरा, मैंने उनको जवाब तब नहीं दिया था, बट था कि रहेंगे तो इंसान ही ना, कुछ अलग सीन या कुछ तो नहीं रहेंगे ना, रोडीज़ में भी लोग ही थे, मैं वहाँ तक पहुँचा था, मैंने उस स्टेप रेडी की थी, बिग बॉस में भी लोग ही थे और मुझे लगता है हिंदी में लोग ही थे, और थोड़ी थोड़ी वाट तो लगाई ब्रो शिव ठाकरे ने उनके जवाब। मैं आपको बताऊँ क्या, अगर मुझे आप शायद मैं टॉप 2 में नहीं होता या विनर होता या फिर 5वें नंबर पे चला जाता तो भी बोलता कि मैंने मंडली बना के बहुत ही अच्छी चीज़ की, अच्छे लोगों के साथ किया। नहीं मेरा गेम कुछ मैंने नहीं दी, उसका हक था और वो उसी के लिए बनी थी। मेरी चीज़ होती है कि शायद मैं थोड़ा और भूखा हो गया हूँ, अभी आगे जो जंप रहेगी मेरी और बड़ी रहेंगी, तो मुझे लगता है कोई किसी की ट्रॉफी ले नहीं सकता है, कोई दे नहीं सकता है, सिर्फ इतना है कि हम लोग बैठ के माइंड के घर में एक साथ इमोशन और चिल्लम चाटी कर सकते हैं, वो मैंने किया, पर ट्रॉफी मुझे नहीं लगता उसको किसी ने दी, उसका हक था, और जनता ब्रो कितना प्यार करते शिव, आपके आई ने एक इंटरव्यू में कहा था कि आप बैक टू बैक रियलिटी शो नहीं करोगे, इसको लेके आपका क्या विचार है? खतरों के खिलाड़ी भी ऑफर हो चुका है, अभी बैक टू बैक ही होगा, पर मेरा ना सपना तो वो वाली बड़ी फिल्म है जिसमें शिव ठाकरे टर्न हो जाए, अभी वो शिव ठाकरे को थोड़ा पसीना भी बहाना पड़ेगा, तो मैं कोई चीज़ ये लेवल पे नहीं पहुँचा हूँ कि कोई मुझे ऑफर हो मैं चूज़ करूँ, मुझे इतना है कि जो चीज़ें मिल रही है मैं करते जाऊँ, पॉलिश करते जाऊँ खुद को, वो एक्टिंग का शायद सीरियल आ जाए, फिल्म ना मिले, बट वो होता नहीं, बहुत लोग पॉलिश कर करके वहाँ तक बढ़े, और मैं जिधर अमरावती से आया हूँ मुझे बहुत बार बताना पड़ा अमरावती नागपुर के पास है, शायद वो भी मैंने अभी अगर थोड़ा बहुत अमरावती पहचानने लगे तो वो मैं भी खुश हूँ, और रियलिटी शो प्लस एक्टिंग में बैलेंस करूंगा, क्योंकि रियलिटी शो में अलग मजा है ब्रो, कुछ तो चलता है। थैंक यू।